Joining me is BJP President of the Madhya Pradesh Unit, Mr. Rakesh Singh. Welcome to Raj Sabha TV, sir. पिछली बार मध्य प्रदेश में आपने 27 सीटें जीती थी, इस बार कितनी सीटों की उम्मीद है? आज मध्य प्रदेश में हमारे पास 26 सीटें हैं और जो वातावरण है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अभी हम 26 से ज्यादा सीटें जीतने वाले हैं। सर, जबलपुर की बात की जाए तो 25 सालों से लगातार बीजेपी का वर्चस्व रहा है यहाँ पर, इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार भी, इस बार क्या उम्मीदें हैं? जो मध्य प्रदेश में है वही जबलपुर में है। मैं ऐसा मानता हूं कि जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का मन बना चुकी है। पार्टी का कार्यकर्ता उत्साह से भरा हुआ है और इसलिए इस बार भी जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होने वाली है। सर, आखिरी सवाल, कौन से मुद्दों पर बीजेपी लोकसभा चुनाव लड़ रही है और कितनी है जीत की उम्मीद? स्वाभाविक रूप से विकास एक बड़ा मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में विकास के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस जबलपुर की बात हम करें तो 15 साल पहले जबलपुर एक बड़ा गांव के रूप में जाना जाता था। 15 साल में यहां बहुत कुछ बदला, आज एक महानगर के स्वरूप में जबलपुर दिखाई दे रहा है। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा यहां पर आया है, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है। इसके साथ साथ लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों के लिए होने वाला चुनाव है। देश को आज आवश्यकता है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की, एक सक्षम और मजबूत समृद्ध भारत बनाने की, और इसलिए देश की जनता के मानस में ये सारी बातें। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। रिपोर्टिंग फ्रॉम जबलपुर, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन जितेंद्र नेगी, आई एम कृति मिश्रा फॉर राज्यसभा टेलीविजन।